नमस्कार, मैं दुष्यंत विमल आप सभी का बुद्धा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारी पिछली कक्षाओं में हमने जो आपके लिए ज्योमेट्री की एक सीरीज चलाई हुई है उसमें कुछ नियम पढ़े थे, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करे थे। उन क्वेश्चंस को आप लोगों ने देखा, आप लोगों को बहुत सारा उससे प्यार हमें मिला। अगर उनसे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप उस वीडियो के चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या और या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी को हमसे डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और ज़्यादातर बच्चे उसके उस टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कुछ बहुत यूनिक टाइप के क्वेश्चंस। क्वेश्चन समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। मान लीजिए कि ये कोई आपके पास त्रिभुज है जिसका नाम है ए, बी और ये सी। इसके सामने वाली इस भुजा को मैं कह रहा हूँ ए, ये बी और ये सी। बी कोण के सामने वाली भुजा को बी लिया है और सी कोण के सामने वाली भुजा को सी लिया है। वैसे तो बहुत बेसिक जानकारी है, आप सभी जानते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें इसके परिमाप की, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर को कैपिटल लेटर पी से प्रदर्शित करते हैं और पेरीमीटर जो होता है परिमाप, जैसा इसका नाम है परिमाप, यानी पूरे की माप, यानी कोई भी आकृति है उसकी सभी भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज की तीन भुजाएं ए, बी, सी, तो इन तीनों का जोड़ रहेगा परिमाप। उसके बाद आपको दूसरी चीज समझनी है, इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप या कह लीजिए सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप या कह लीजिए सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को लेटर एस से डिनोट करते हैं, एस से प्रदर्शित करते हैं और ये परिमाप का आधा होता है। यानी ये क्या हो जाएगा, आपका जो परिमाप है ए प्लस सी उसका हाफ। ठीक है, नॉर्मल सी बातें हैं। इसके बाद हम लोग तीसरी चीज़ समझते हैं कि मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है और इसके लिए तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो एक आपको और समझना है, क्या त्रिभुज का या कह लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं। आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वो है S, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। ये फॉर्मूला आप लोगों ने कक्षा 8 में 9 में पढ़ा होगा और इसको आप लोग एक अलग नाम से भी जानते हैं, वो है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्योंकि ये वैज्ञानिक हीरोज ने दिया था, इसीलिए इसको हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। अब ये कोई हमारा त्रिभुज था, इसके बारे में इतनी चीज़ें हमें पता चल गई, ये तभी हम लोग यूज़ करते हैं। वैसे तो किसी भी ट्राइंगल के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तब इस विधि से हम हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई त्रिभुज है तो और कैसे कैसे उस त्रिभुज का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, यहां देखिए ध्यान से। ये त्रिभुज है मेरे पास, मैंने मान लिया इसका वही सेम नाम है, ये है ए, ये है बी
ये है सी। इस त्रिभुज का एरिया आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? आप लोगों को बच्चों पता है कि जब हम त्रिभुज पढ़ते हैं और त्रिभुज के एरिया की बात करते हैं तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक कि किसी भी त्रिभुज का अगर मैं क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं निकालना चाहूँ त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी त्रिभुज है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 त्रिभुज का बेस यानी उसका आधार गुणा उसकी ऊंचाई यानी उसकी हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ये त्रिभुज है हमारे सामने, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालें? समस्या ये है हमारे सामने, वही है इस त्रिभुज की भुजा, मान लो ये सामने वाली ए है, ये बी है और ये सी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने इस पे एक एंगल बाइसेक्टर डाल दिया, यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर खींच दिया, ये है मेरा परपेंडिकुलर, इसका मैंने नाम दे दिया मान लो ये थोड़ी देर के लिए क्या है, H। तो अब इस त्रिभुज में यहाँ पे परपेंडिकुलर बन गया है तो इसका बेस कितना हो जाएगा? इसका बेस हो जाएगा बच्चों A जो नीचे आधार है, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? H। तो हम सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 AH, है ना, सिंपली ये भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम H को डिफाइन करने जाएं, H क्या हो सकता है हमारा? आप इस एंगल को देखिए, इस एंगल को देखिए, अगर मैं यहाँ से साइन B निकालना चाहूँ तो साइन क्या होता है हमारा? लंब बटे कर्ण, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका लंब कितना हो जाएगा? H, और कर्ण कितना हो जाएगा इसका? C। तो मैं यहाँ से H निकाल दूंगा, मेरा H आ जाएगा सी साइन बी, और ये सी एच की जो वैल्यू है अब मैं यहाँ पे पुट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे एच की वैल्यू पुट की तो 1/2 ए, तो एच की जगह कितना आ जाएगा? सी साइन बी। इसका मतलब ये निकल के आ गया कि अगर हम किसी ट्राइंगल का एरिया निकालें, किसी ट्राइंगल का एरिया निकालें तो ट्राइंगल का जो एरिया रहेगा वो रहेगा 1/2 ए सी साइन बी, ए सी साइन बी, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 एक्स वाई साइन थीटा, जहाँ x और y त्रिभुज की दो भुजाएं हैं और थीटा उनके बीच का कोण है, थीटा उनके बीच का कोण है, एंगल बिटवीन देम। तो इतनी बातें समझ में आई, यानी अगर हम किसी त्रिभुज के बारे में उसका एरिया हमें निकालना है तो हम यहाँ से ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर हमें उसकी दो भुजा पता हो और उनके बीच का एक कोण पता हो तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इस चीज़ को आपने समझा, इस पे आधारित एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है उसको ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने कि इन अ ट्राइंगल एबीसी, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 60 है
ए भी भुजा बराबर 6 है, ए सी बराबर 8 है, फाइंड द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर की लेंथ पूछी गई है। चित्र में दिखाते हैं आपको कि क्या पूछा गया है बेसिकली उसमें और करना हमें इसे कैसे है। यहाँ पे मैं चित्र बना दे रहा हूँ। ये कोई मेरा डायग्राम मैंने बना लिया। इसमें कह रहा है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस त्रिभुज की भुजाएं हैं और इसमें क्या किया गया है, एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिया गया है यहाँ से। मान लो ये है डी और कह रहा है हमसे कि कोण ए 60 है, ये एंगल है पूरा 60। ए बी भुजा है 6 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर और ए सी भुजा है 8 सेंटीमीटर, तो ए सी हो गई 8 सेंटीमीटर। ये है, अब ध्यान से समझो, हमने अभी अभी आपको सिखाया एरिया, लेकिन पूछ लिया आपसे कि भैया लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर बताओ, ये वाली ए डी की लेंथ बता दो, कैसे निकलेगी। देखिए आप चीज़ों को समझिए ध्यान से, जो चीज़ें बताई गई हैं उसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। कैसे, सबसे पहले आप देखो कि आपको अभी अभी बताया था कि एक त्रिभुज ए बी सी है, अगर मैं इस त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकालना चाहूँ तो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा भाई, आपको बताया कि क्या था, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 ए सी साइन बी, ए सी साइन बी। ए सी साइन बी, तो आप यहाँ हेलो 10 मिनट क्लास ले रहा हूँ 10 मिनट, अरे वीडियो क्लास कर रहा हूँ 10 मिनट में कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं करूँगा, रुको वीडियो क्लास रिकॉर्डिंग चल रही है। देखिए यहाँ देखो, ये है अभी आपको बताया कि भाई एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 ए सी, ए सी मतलब 6, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंप्लीट ही लिख लेते हैं तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ये क्या होगा, अब आप यहाँ देखो, अगर मैं मान लूँ कि ये जो मेरी लेंथ है ए डी, इसको मैं कह दे रहा हूँ कि ये मेरी एक्स है, ठीक है, ये मेरी एक्स है, तो मेरा जो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये दो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, किस किस के, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी प्लस डी ए सी या सी ए डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ए डी, ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं यहाँ से एरिया ऑफ ए बी सी निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/2, मैंने कहा जो भी गिवन भुजाएं हैं ए बी और ए सी, उन दोनों का प्रोडक्ट, उन दोनों की गुणा, 6 × 8, और उनके बीच में बनने वाला कोण, तो उनके बीच में कोण कितने का बनेगा, ये 60 का, तो ये हो गया साइन 60। ऐसे ही बी ए डी में आओ, अब बी ए डी में ये आपने देखा कि यहाँ से हमने एंगल बाइसेक्टर खींच दिया है, तो ये हमारा एंगल कितने का रह जाएगा, 30 डिग्री का, और ये भी कितने का रह जाएगा, 30 डिग्री का। 60 को दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया तो वो कितना रह गए, 30-30। अब मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ, वही फॉर्मूला, 1/2, दो भुजाएं 6 और ये कौन कौन सी हो जाएंगी, ए बी और ए डी, यानी 6 × x, और उनके बीच का कोण, उनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 30, यानी साइन 30। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया इस वाले का, अब इसका निकाल लो, सेम वही 1/2 दोनों भुजाओं का प्रोडक्ट, x × 8 और × sin 30। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका कैलकुलेशन रह गया, क्वेश्चन तो पहले ही सॉल्व हो चुका है, क्या कैलकुलेशन रह गया देख लो जल्दी से, 1/2, 6 × 48 और साइन 60 हो गया √3/2, ये हो गया 1/2 6x
और साइन 31/2 प्लस 1/2 आठ एक्स गुणा साइन 30 1/2। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 2 × 4, 4 से मैं इसको काट रहा हूँ, 2 × 4, 4 से मैं इसको काट रहा हूँ, 4 × 4, 4 × 8, ये हो गया 12√3। अब इसको देखिए, ये हो जाएगा आपका, आप इसको कैंसिल आउट करना चाहो तो कैंसिल आउट कर लो, अदरवाइज सीधा रहने दो। ये हो गया 6x/4 और ये हो गया 8x/4। दोनों को जोड़ दीजिए फटाफट से, 8 × 6 = 14 x/4 बराबर 12√3। तो x निकल के आ गया हमारा यहाँ से बच्चों 12√3 × 4/14। अब जो भी कैलकुलेशन आए, 2 से काट दो इसको 2 बार, ये गया 7 बार, तो ये हो गया 12 × 24√3/7। तो जो हमारी हाइट है एंगल बाइसेक्टर की, जो हमारा AD है, वो निकल के आ गया 24√3/7। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। समस्या यहाँ आती है बच्चों को कि वो क्या करते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस में, कि वो सोचते हैं डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। अरे जब क्वेश्चन उसने उस टाइप से घुमा के पूछा है तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं आएगी, इसी टाइप से आपको उसको करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को स्लो मोशन में देख सकते हैं, ठीक है? जब तक पूरा नहीं देखेंगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और अगर आपको मैं भी आसान आसान चीज़ें कराता रहूं, एक चीज़ समझ लीजिए, आप भी जो भी व्यूअर्स होते हैं या जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, उनको वो चीज़ें देखना बड़ा अच्छा लगता है जो बहुत आसान हो। अगर आसान से ही नौकरी मिल रही होती, आसान से ही चीज़ों समझ हमारी बेहतर हो रही होती, तो अब तक तो शायद आप लोग जो अपना मुकाम पाना चाहते हो वो पा चुके होते। तो किसी भी चीज़ को स्किप करने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं क्या स्किप कर रहा हूँ, कहीं अपना फ्यूचर तो स्किप नहीं कर रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिया है मैंने, ये क्वेश्चन है कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, नाम दे देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, उसमें BAD, ये मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया A, ये B और ये C। कह रहा है BAD है 60, तो BA और यहाँ पे कोई पॉइंट है D, और ये एंगल है हमारा 60, ये एंगल है हमारा 60 डिग्री, और CAD ये है हमारा 30। और कह रहा है कि आपको AB है 5, AC है 12, तो बताइए इस AD की लेंथ कितनी होगी, AD बराबर कितना होगा। मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा AD वही सेम X है। तो आपको चीज़ें समझनी है, फिर से वही चीज़ हमें करनी है। ध्यान से समझिएगा कि ये जो त्रिभुज ABC है पूरा, तो मैं क्या करूँगा, पहले एरिया ऑफ त्रिभुज ABC निकाल दूँगा, और जो मेरा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC होगा वो मेरे त्रिभुज को जो मैंने दो भागों में बांट दिया है उनके योग के बराबर ही होगा। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज CAD प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज BAD, एरिया ऑफ त्रिभुज BAD। अब सिंपली आपके पास इसकी कैलकुलेशन रह गई, अगर आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। क्या है भाई, बड़े वाले त्रिभुज की बात करें तो 1/2 जो भी नॉन भुजाएं हैं उन दोनों का प्रोडक्ट, यानी जो भी हमारे पास गिवन भुजाएं हैं, दी हुई भुजाएं हैं, 12 × 5, और उनके बीच में बनने वाला कोण, तो इनके बीच में वही ये टोटल कोण कितने का बनेगा, 30 और 60 90, यानी साइन 90। आप इसका देखिए CAD,
ये कितना हो जाएगा, एक बटे दो सी ए डी, सी ए डी, तो इसकी एक भुजा ये 12 है, एक x है, तो 12 गुणा एक्स इंटू एंगल उनके बीच का साइन 30 प्लस, इसको देखिए क्या हो जाएगा, ये एक भुजा 5 है, एक x है, तो एक बटे दो 5 गुणा एक्स गुणा साइन, इसके बीच में एंगल कितने का है, 60 का, साइन 60। सॉल्व कर लीजिए और वैल्यू निकाल दीजिए फटाफट से, एक बटे दो 12 पंजे 60, साइन 90 हो गया 1, एक बटे दो ये हो जाएगा 12x, साइन 30 हो गया 1/2 प्लस 1/2 गुणा 5x प्लस इंटू साइन 60 हो जाएगा अंडर रूट 3/2। अब सिंपल आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है, जितना कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे उतना ही अच्छा है। ये हो जाएगा 60/2, ये हो जाएगा 12x/4, या फिर आप अचारी कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन को आसान बनाना है, तो ये हो जाएगा 5√3x/4। यहाँ से 4 एलसीएम ले लीजिए, ये गया 30 टाइम्स, ये 4 एलसीएम आ गया आपका, दोनों प्लस हो जाएंगे, 12x+5√3x, ठीक है, और ये हो गया 30। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ इसको, ये हो जाएगा 30 × 4 = x कॉमन निकाल दीजिए यहाँ से, 12+5√3, और x आ गया हमारा यहाँ से कितना, 30√120/12+5√3, और यही है हमारा इस सवाल का आंसर। उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, थोड़े से टफ हैं ये क्वेश्चन, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चनों का अभ्यास करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको सीधे सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं, और जब आप ऐसे क्वेश्चंस को बना करके एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होता है, और जब कॉन्फिडेंस अच्छा होता है तो कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करना उतना ही आसान होता है। इसी के साथ आज की क्लास में हमारा बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, अगर एक बार में समझ में नहीं आती है तो दोबारा देखिए, और जब दोबारा चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो आगे वाली चीज़ें और आसानी से क्लियर होंगी। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा लेकिन आप लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी। धन्यवाद, आज की क्लास में इतना ही, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।